यार 7th एनिवर्सरी में हमारा गेम कुछ इस तरीके का दिखने वाला है और गेम के अंदर बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं जिसमें आप लोगों को भर भर के फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, जैसे कि ये लड़का और लड़की का बंडल देखने को मिल जाएगा। बात है, क्या बात है? गेम के अंदर जो इवेंट्स आने वाले हैं ना, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और रूबी 45 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत मजा आएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पर नए हो ना तो पता है ना क्या करना है? हाँ हाँ, आंख बंद करके दबा दो, रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो, नहीं दबा। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशन। थोर लॉन्डो, क्या चल रहा है जिंदगी में? एक बार फिर से तुम सबका स्वागत है हमारे इस मजेदार से वीडियो में। भैया गरीना वाले चाहते क्या है? मतलब यार गेम के अंदर इतने खतरनाक चेंजेस किए हैं ना, तुम लोग देखोगे बोलोगे आखिर ये है क्या? देखते ही आपके मुंह से सबसे पहले निकलेगा, मानर साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो सबसे पहला चेंज जो है ना, वो हमारे गेम का लॉबी के अंदर है। कुछ इस तरीके का लॉबी दिखेगा और उसके अंदर एक इवेंट आने वाला है जिसमें आप लोगों को कैलेंडर्स होते हैं ना गेम के अंदर, उसमें इवेंट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लड़का का जो मेल बंडल है ना वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ 7th एनिवर्सरी पे आपको ये सारे रिवॉर्ड्स रखने वाले गरीना OB45 के अपडेट के बाद। इसी के साथ साथ आप लोगों को गेम के अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर मिनी मैप रखा गया है यहां पर, और उसके साथ ही आप लोगों को गेम में ना कुछ इस तरीके का मैप में अलग अलग पोर्टल रखा हुआ है जहां से आप लोग कहीं भी जा सकते हो आ सकते हो। और मिनी पीक में ना आप लोगों को इस तरीके से डब्बा फोड़ने का और एनिमी को किल करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग डब्बा, जितना डब्बा फोड़ोगे आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले जिसे आप लोग गन्स कलेक्ट कर सकते हो, और वो गन आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा गेम के अंदर। जैसा आप लोगों ने देखा मैंने ग्रोजा कलेक्ट करा था और यहाँ पर गेम के अंदर एंटर करते ही मेरे पास ग्रोजा आ गया। साथ ही साथ गेम के अंदर मिनी पीक आने वाला है जहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से खड़े रहना होगा और आप लोगों को उसके बाद ना गाइज यहाँ पर पोर्टल्स मिलेंगे जिससे आप लोग गन्स निकाल करके मार सकते हो। और मिनी पीक में सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके का होगा जहाँ पर आप लोग देखो बुइया करने पर आप लोगों को इस तरीके से ट्रॉफी मिलने वाली है। ये सब कुछ होगा गाइज गेम के अंदर नेक्स्ट अपडेट के बाद। इसी के साथ वैलोरेंट खेलते थे तो यहाँ पर FPP मोड आता था और डिफरेंट गेम्स में भी FPP मोड आता था। अब गरीना वालों ने अपने क्लैश स्क्वाड मैप के अंदर भी FPP मोड ला दिया, यानी कि आप लोग ना कुछ इस तरीके से किल कर सकते हो और ये बहुत तगड़ा कर दिया गाइस। इसके लिए ना भाई कसम से बता रहा हूँ मजा आ गया इस चीज को देख करके। और मेरा फेवरेट मोड है यार FPP मोड में खेलने में, जो गेम का मजा आता है ना वो अलग ही होता है। साथ ही साथ आप लोगों को क्लैश स्क्वाड मैच में प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलने वाले, आप लोग जितना ज्यादा एनिमी को किल करोगे उतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट मैच में क्या होता था कि आप लोगों का माइनस लग जाता था तो वो भी बचेगा, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे और फिर आपके स्टार्स बनेंगे और फिर आप बचा सकते हो अपना रैंक माइनस होने से। अरे बाबा। इसी के साथ यार मित्रों तुम लोगों को गेम के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर चेंज देखने को मिलने वाला है ना जिसके अंदर आप लोगों को ये कैरेक्टर से आप अपने टीममेट्स को इस एबिलिटी से ना हील कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग इस तरीके से टीममेट को पकड़ोगे ना तो हील कर सकते हो, आप लोग दोनों में HP बटने लगेगा। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कैसी करके जो कैरेक्टर है ना वो हमारी कैली कैरेक्टर को भी HP दे रही है और खुद भी हील हो रही है। मतलब एक टाइम में आप एक दूसरे को HP शेयर कर सकते हो, हील कर सकते हो एक दूसरे को, ये अच्छा कैरेक्टर है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर कपिला के साथ भी एक एबिलिटी ऐड की गई है कि कपिला अगर अपने और ओलिविया का भी एबिलिटी चेंज किया गया है। साथ ही साथ आप लोग देखो कपिला भी अपने टीममेट को गन मार रही है, किसी भी गन से मार रही है तो वो हील हो रहा है और एनिमी को मार रही है तो डैमेज पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हो इस वाले क्लिप में। तो ये एबिलिटी चेंजेस की गई है गाइस गेम के अंदर कपिला और ओलिविया को, और ये सारे कैरेक्टर्स की स्किल्स को बैलेंस किया गया है इस वाले अपडेट के अंदर। यार आप लोग गन सिलेक्ट करते वक्त ना उसकी स्किन या फिर एबिलिटी चेक करते हो तो अब आप लोगों के लिए ना गेम में एक नया ऑप्शन डाला गया जहां पर आप लोगों को सारी चीजें एक जगह पे ही दिखाई जाएगी कि कौन सा गन किस वाले गन से बेटर है। मतलब आप लोग थोड़ा चेंजेस देख सकते हो और साथ ही साथ यहां पर वेपन का एट्रीब्यूट एक साथ ही दिखाया जा जाएगा। भाई लिटरली बता रहा हूं बहुत मस्त चीज ऐड किया गया गेम के अंदर, आप लोग कंपैरिजन अच्छा कर सकते हो इन चीजों को लेकर के। और ये वाला अपडेट तो मैंने बहुत पहले दिया था कि FGL24 नाम से एक गन आने वाला है जो ग्लूअल के आर पार मार के बंदों के पिछवाड़े के अंदर आग लगा सकता है, वही हुआ है यहां पर। इस बार भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ग्लूअल के आर पार मार रहा है और उसके बाद सामने वाले को इतना ज्यादा डैमेज पड़ जा रहा है ना, आप लोग देख सकते हो वो कहीं भाग भी नहीं सकता है जो भी ग्लूअल के पीछे छुपता है ना। अब यार मेरे को लगता है कि कस्टम मस्टम खेलने में भी गरीना वाले जीने नहीं देंगे। और ये हीलिंग पिस्टल के अंदर ना ऑटो रिवाइव करने के लिए एक ऑप्शन डाला गया है, मतलब आप लोग का टीममेट कोई मर रहा है ना तो उसको आप रिवाइव कर सकते हो। और मैक्टन सब मशीन गन को ना गन की एबिलिटी दे दी गई है, मतलब पहले इसको गन 1 में नहीं रखा गया था बट अब ऐड कर दिया गया है मैक 10 को
को, और उसके अंदर इतने सारे गन्स के अंदर ना एडजस्टमेंट की गई है, आप लोग देख सकते हो। और इतना ही नहीं यार, गेम के अंदर एक और चीज ऐड किया गया है जो कि है सीजन गोल्स। और इसके अंदर आप लोगों को मिशंस कंप्लीट करने के ना फ्री फोकट के ये सारे आइटम्स मिलेंगे। हर सीजन में आप लोगों का रैंक वाइज जितना भी लेवल होगा ना, उतना लेवल फ्री फोकट के ग्लू वाली स्किन्स, गन्स की स्किन ऐसे मिलते रहेगी। साथ ही साथ आप लोगों को वेपन मिस्ट्री करके आया है, जहां पर आप लोगों को वेपन को भी मैक्स कर सकते हो। मतलब अगर इस कार मैक्स करना चाहते हो तो उसको लेकर के खेलना होगा इन गेम, और फिर कॉइन्स मिलेंगे और उस कॉइन्स से आप लोग वेपन को मैक्स कर सकते हो। इसके बदले आपको टोकेंस मिलेंगे ढेर सारे, जैसे डायमंड रॉयल टोकेंस हो गए, या फिर आपको कुछ और भी चीजें मिलेगी और आपका वेपन भी मैक्स हो जाएगा। तो भाई मस्त चीज है ये, तो पहले भी था शायद से गेम के अंदर। इसके साथ ही आप लोगों को एक और अचीवमेंट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जहां पर अगर आपका यूनिक गेम प्ले होगा तो आपको कुछ इस तरीके के बैचेस मिलेंगे, 800 प्लेयर्स मारने पे कुछ इस तरीके के, एंड अलग अलग तरीके से अलग अलग गेम के बैचेस मिलने वाले। इसके साथ ही आप लोगों को गेम के अंदर ना और भी इमोजीज को ऐड किया गया है। भाई क्या चाहते हो यार, मेरे टीममेट्स में कोई इमोजी दिखा दिखा के बहुत डराते हैं भाई रिवाइव करने के लिए, बट भाई ठीक है, और भी इमोजीज को ऐड कर दिया गया। आप लोग इस तरीके से इमोजीज दिखा सकते हो भाई, ले जा सकते हो यार, बस मस्त चीज ला रहे हैं गरीना वाले। तो साथ ही साथ बैकपैक को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए ना यहाँ पर मेडिकिट का सेक्शन को भी चेंज किया गया। अगर आप लोग किसी चीज को पिन करना चाहते हो और या फिर कुछ भी दिखाना चाहते हो तो सब कुछ को कर सकते हो यार इजीली। बैकपैक के अंदर जितने सामान है अलग तरीके से कस्टमाइज किया गया है अब आप लोगों के लिए। और ट्रेलर के अंदर ये वाला ग्लाइडर ला करके ना एकदम भाई पुरानी दिन याद करा दी गरीना वालों ने। तो इतने सारे आइटम्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, साथ ही साथ 7 एनिवर्सरी के आइटम्स भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आने वाला है गेम के अंदर। क्योंकि चेंजेस की तो हमने बात कर ली, गेम में क्या क्या चेंजेस होने वाला है वो भी 45 के बाद। ज्यादा चेंजेस नहीं है बट इतने बुरे भी चेंजेस नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ये लड़का लड़की का बंडल फ्री में मिलने वाला है गेम के अंदर 7th एनिवर्सरी पे। साथ ही साथ गाइस आप लोग बताओ यार, इतना चोमू सा बंडल दिया है गरीना वालों ने, और ये बाहर के सर्वर में दिया, अभी इंडियन सर्वर का कुछ कह नहीं सकते। और ये कैलेंडर है जिसमें आप लोगों को भर भर के फ्री आइटम्स मिलने वाले, जैसे कि 1, 2, 3 लेवल में ये वाला बैकपैक देखने को मिल जाएगा जो कि फ्री में मिलने वाला है 7th एनिवर्सरी पे। इसी के साथ कैलेंडर्स में जितने भी आइटम्स दिखाए जा रहे हैं ना, जैसे कि ये लूट बॉक्स, ये लूट बॉक्स भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है गेम के अंदर इस बार। और गाइस आप लोग कैलेंडर देख लो गाइस, इसके अंदर आप लोगों को ये वाला नेड का स्किन भी देखने को मिलने वाला है जो कि म्यूजिकल टाइप का इफेक्ट देता है जैसे ही ब्लास्ट करो तो। साथ ही आप लोग लूट बॉक्स देख लो, कुछ इस तरीके का लूट बॉक्स और एक देखने को मिलेगा। एंड गाइस यहां पर कुछ फ्रेगमेंट्स भी रखे गए मैजिक क्यूब स्टोर के जो कि आप लोगों को मिशंस कंप्लीट करने पे मिलेंगे। साथ ही आप लोग 1, 2, 3 लेवल का एक हेलमेट भी ला रही है गरीना वाले। भाई ये 1, 2, 3 लेवल का हेलमेट लाने का जरूरत क्या था भाई, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, इसका लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है, गरीना वाले आखिर करना क्या चाहते हैं। तो भी जितने भी फ्री रिवॉर्ड्स थे मैंने 7th एनिवर्सरी के दिखा दिए जो मेरे हाथ लगा था और जो कंफर्म लग रहा है कि आने वाला है। लेकिन गाइस और भी इवेंट्स हैं जो कि आगे आने वाले हैं, उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और हमें टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।